हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। देर ना करके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पसंद आए तो लाइक दे दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक दे दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पालक की साग ली है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, फ्रिज में हम साग रख देते हैं, 4-5 दिन बाद साग थोड़ा मुरझा जाती है। इसे तो हम फ्रिज बास्केट में रखते हैं, वेजिटेबल बास्केट में, फिर भी वो मुरझा जाती है, फ्रेश नहीं रहती है। तो जब भी हम साग करेंगे तो उसको बाहर ले आएंगे। बाहर ले आने के बाद जो हमारे आइस होती है, आइस क्यूब को निकालेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और ये साग के ऊपर थोड़ा फैला देंगे। 10-15 मिनट बाद ये हमारी साग थोड़ी फ्रेश हो जाएगी, तभी जाके हम इसको काट के कर सकते। आई होप ये छोटा सा ट्रिक्स आप लोग को पसंद आए। नेक्स्ट वाला टिप्स मेरा ये कैंडल को लेकर है। कैंडल अक्सर क्या होते हैं दोस्तों, कैंडल जब हम जलाते हैं तो कैंडल स्टैंड अगर हमारे पास नहीं होती है तो हम घर पे जुगाड़ लगाते हैं। कुछ भी हो, ये मेरे पास मिट्टी की ग्लास थी। आपके पास कुछ कटोरी हो तो कुछ भी दिया वगैरह है उसमें तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि कैंडल की जो वाक्स जल के नीचे आती है वो नीचे नहीं आएगी, बच्चों को लगेगी नहीं। और ईजिली कैंडल जब तक है जलेगी तब तक हमें सेफ लगेगी, क्योंकि कहीं गिरेगा नहीं और आग की चिंता भी नहीं। नेक्स्ट वाला टिप्स मेरी किचन को सिंक का लेकर है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, किचन का सिंक हमारी हम जब साफ वगैरह कर लेते हैं, लेकिन साफ करने के बाद ये ऊपर का हिस्सा हम साफ कर लेते हैं लेकिन नीचे की हिस्से में बहुत ही गंदगी अटक के रह जाती है। हम इसको साफ करके धो देते लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा जो गंदगी अटक के रहती है, ये धागे वगैरह अटक जाती है तो क्या होता है ना, पानी रोक लेती है, पानी को जाती नहीं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कैंची से हम इसको कट लगा देंगे ताकि जो गंदगी वो अटक के रहती है, नीचे नहीं जाती है, ऊपर नहीं आती है, वो फंस के रहती है। थोड़ा सा कट मार्क लगा देंगे तो थोड़ी ये कट हो जाएगी और नीचे चली जाएगी और फिर हम थोड़ा पानी छिड़क देंगे। ऐसे हमारी पानी की जो रुकावट नहीं होगी और किचन सिंक जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। नेक्स्ट वाला टिप्स मेरा ये इस तरह की डिब्बे को लेकर है। ये होता है जो हम खाने का ऑर्डर करते हैं तो अक्सर आप हम लोग को पता नहीं, इस तरह की जो कंटेनर हम लोग खाने में लाते हैं, जो कुक फूड आता है, हम क्या करते हैं इस कंटेनर को हम फ्रिज में अक्सर इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी वगैरह, मिर्ची वगैरह, नींबू वगैरह रखने के लिए। क्या आपको दोस्तों पता है ये कंटेनर मल्टीपर्पज़ यूज़ होती है, जो ये माइक्रोवेव में इसमें हम डाल सकते हैं। जो हमारे अगर माइक्रोवेव है और हमारे उसकी बर्तन नहीं है तो इस कंटेनर को हम माइक्रोवेव में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते नहीं और इसमें बहुत सारा यूज़ होता है। नेक्स्ट वाला टिप्स मेरा आइस को लेकर है। देखिए इस तरह के हम हमारे घर पे आइस होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ये चश्मे वाले बैग है जो इसमें चश्मा आता है, तो ये थोड़ा ये हमारी कॉटन वाले बैग होती है तो इसमें हम आइस क्यूब डाल देते हैं। ये आइस क्यूब में बहुत सारा काम होता है और देखिए इसमें मैं डाल दी, 2 आइस क्यूब डाल दी और ये कॉटन वाले बैग है। तो इसकी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी काम में करते हैं, किसी को अक्सर पता नहीं होता है। तो चलिए इस बैग को लेकर चलते और यहाँ पे चले आई मेरी बच्ची के पास। अक्सर क्या होता है दोस्तों, बच्चे हमारे जो गिर जाते हैं, पलंग वगैरह से गिर जाते हैं, कहीं पे फर्श में गिर जाते हैं, कभी कभी सर पे लगती है, फ्रंट सर पे लगती है और दिमाग जो पिछले वाले सर पे लगते हैं। अक्सर क्या होता है दोस्तों, ये सर पे लगने के बाद ब्लड क्लट होती है, यानी कि खून उस जगह पे बहना बंद हो जाता है, खून रह जाती है और जैसे छोटे छोटे पहाड़ जैसे बन जाती है और बच्चों को बहुत ही दर्द होती है उस जगह पे। क्या करेंगे, अगर बच्चे गिर गए और उनकी सर पे बहुत ही चोट लगी है तो हम इस तरह से बैग में आइस डाल के बच्चों के सर पे लगाएंगे तो वो तुरंत कम हो जाएगी। और इनको एक गिलास पानी पिला देंगे, इससे कि बच्चों को दर्द नहीं होगा और बच्चे बहुत ही राहत मिलेंगी उनको। नेक्स्ट वाला टिप्स मेरा ये है इडली को लेकर है। अक्सर क्या होता है ना, हम इडली जब निकालते हैं हमारे चम्मच में ऐसे इडली लग के रहती है और नेक्स्ट वाला इडली भी बहुत ही बुरी तरह से निकलती है। तो चम्मच में ना निकले ना लगे तो इसका छोटा सा ट्रिक्स यह है, यहाँ पे है, थोड़ा सा पानी ले आएंगे ग्लास में, कटोरी में, उसको एक इडली निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से देखिए एक इडली निकाल दे और इस चम्मच को लेकर पानी में डुबो देंगे और फिर से और एक इडली निकालेंगे। ऐसे करेंगे तो हमारी दूसरी वाली इडली ख़राब नहीं होगी और चम्मच में नहीं लगेगी। तो आई होप ये छोटा सा ट्रिक्स आप लोग को पसंद आए।
तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला। ये नेक्स्ट वाला टिप्स ये है चावल को लेकर। इस तरह के बड़े बड़े जो थैले में चावल आती है, दाल आती है, तो हम क्या करते हैं, दुकानदार क्या करते हैं, बहुत ही टाइट से कस के बांध देती है, तो हम इसको खोल नहीं पाते। छोटा सा ट्रिक्स यहाँ पे, इसको इस तरह से उसकी मुँह को इस तरह से मोड़ेंगे, मोड़ने से ये थोड़ा टाइट होती है, और इसको इस तरह से हम पीछे करेंगे तो पुश करेंगे तो ये खुल जाएगी। आई होप आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को पसंद आएगी। इनमें से कौन सा आपको पहले से पता है प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपके किचन में बहुत ही काम आने वाली टिप्स है। तो चलिए कल मिलते हैं कल की टिप्स एंड ट्रिक्स में।